देश लगातार रेल दुर्घटनाओं से त्रस्त है, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला दरभंगा से मुंबई जाने वाली दरभंगा एक्सप्रेस का है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन को दरभंगा तक बिना ब्रेक के दौड़ाया गया। इस दौरान 2000 यात्रियों की जान आफत में रही। हैरत की बात तो ये है कि गुरुवार को मुंबई से वापसी के दौरान इसी ट्रेन में फिर ब्रेक फेल की शिकायत मिली। जानकारी के मुताबिक दरभंगा से मुंबई जाने वाली ट्रेन के 21 डिब्बों में से 19 के ब्रेक फेल हो जाने के बावजूद उसे 350 किलोमीटर तक वाराणसी तक दौड़ाया गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के मुंबई पहुंचने पर सेंट्रल रेलवे ने प्राइमरी मेंटेनेंस करवाया। गुरुवार को ट्रेन दरभंगा के लिए जैसे ही रवाना हुई, ब्रेक सिस्टम में खराबी के कारण कल्याण में उसे फिर रोक दिया गया। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।